हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिका वर्क। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेक लाइट रिले। ठीक है, ब्रेक लाइट रिले मतलब ब्रेक का जो सिस्टम है, यानी ब्रेक स्विच से लेकर ब्रेक लाइट तक का टोटल वायरिंग आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं एक बना देता हूँ इग्निशन स्विच का पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा जो वायर है वो इग्निशन यानी चाबी ऑन करने पे इसमें करंट आएगा। ठीक है, और ये है ब्रेक स्विच। ब्रेक स्विच में दो पोल होता है। ठीक है, दो पोल होता है, और ये हो गया स्टॉप लाइट रिले, चार पिन होता है उसमें। ये वीडियो देखना मतलब ऐसे तो लग रहा है कि ये ब्रेक लाइट छोटा मोटा चीज़ है, लेकिन ये छोटा मोटा नहीं है। इसके बाद जो वीडियो आएगा, जैसे 25-18 जो भी अभी BS4 गाड़ी है उसमें ब्रेक के लिए बहुत सिस्टम दे दिया है, जैसे EMS ब्रेक रिले, एग्जॉस्ट ब्रेक का है, ABS ब्रेक, तो वो ये नहीं समझेंगे तो फिर वो सब समझना मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं एक नीचे से चल रहा हूँ, अभी स्टॉप लाइट समझ लीजिए, इसके बाद से मैं एग्जॉस्ट ब्रेक पे आऊंगा, उसका पूरा वायरिंग पे वो कैसे काम करता है, ऐसे करके धीरे धीरे मैं आगे आऊंगा। ठीक है, तो ये छोटा छोटा चीज़ आपको समझना होगा उसके लिए। तो इसमें ये रिले है, ये हो गया 86, ये हो गया 85 पिन नंबर, ये हो गया 87, ये है 30। ओके, और ये हो गया हमारा चाबी स्विच का मेन, और यहाँ पे देखिए ये हो गया ब्रेक लाइट, ये जो बाहर में रहता है ये इंडिकेटर हो गया, ये हो गया ब्रेक लाइट। ठीक है, ये ब्रेक लाइट हो गया। अब इसका क्या सिस्टम है, देखिए इग्निशन स्विच का जो पॉजिटिव है ये एक तो जाएगा डायरेक्ट ब्रेक स्विच में। ठीक है, जैसे ही हम ब्रेक स्विच ऑन करेंगे, ये ब्रेक स्विच के अंदर एक छोटा प्लेट होता है, वो प्लेट जैसे ही उस पर एयर का प्रेशर पड़ता है, वो दोनों वो प्लेट आकर के इस पर टच हो जाता है, तो ये दोनों आपस में मिल जाता है, इसलिए इधर से करंट सप्लाई होने लगता है। वो आपको दिखाने के लिए मैं कभी ब्रेक स्विच को काट करके दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या सिस्टम होता है, कैसे रहता है। तो ये हो गया हमारा एक इग्निशन स्विच का पॉजिटिव। ठीक है, और एक इग्निशन स्विच का पॉजिटिव दिया है 87 में। ठीक है, हालांकि सभी में इनपुट रहता है 30, लेकिन इसमें दिया है 87 जो पिन है उसमें इनपुट दिया है, हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रेक स्विच काम कर ये रिले जब काम करता है तो 30-87 में पकड़ता है, तो 87 में दे या 30 में दे बात एक ही है, जब इसमें हम करंट देंगे तो इससे निकलेगा या इसमें देंगे तो इससे निकलेगा, वो दोनों आपस में ऐसा काम करता है। तो ये एक इग्निशन स्विच का मेन हो गया 87। और देखिए यहाँ पे 85 में ग्राउंड रहता है। ठीक है, 85 पिन हमेशा ग्राउंड, तो मैंने ग्राउंड दे दिया 85 पर। और देखिए 86 जो है वो आता है ब्रेक स्विच से। ठीक है, वो ब्रेक स्विच से आता है। देखिए यहाँ पे ब्रेक स्विच जैसे ही ऑन हुआ ये आ गया यहाँ। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये ब्रेक स्विच जैसे ही हम दबा रहे हैं तो यहाँ तो डायरेक्ट मेन है, यहाँ इग्निशन स्विच का, यहाँ से आया यहाँ, जैसे ही रिले ऑन हुआ तो रिले से, देखिए रिले में भी 87 पहले से यहाँ पॉजिटिव है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको देखना होगा कि ये जो ब्रेक स्विच है, ब्रेक स्विच में अगर देखिए स्टॉप लाइट रिले, ठीक है, और एक देता है रिब स्टॉप, वो फ्यूज में देता है रिब स्टॉप, उसमें दो चीज का फ्यूज होता है, रिब स्टॉप यानी रिवर्स लाइट और स्टॉप लाइट, यानी ब्रेक का जो लाइट होता है वो, और बैक गियर का जो लाइट होता है वो। तो यहाँ पे एक फ्यूज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा REV RIB STOP। ठीक है, ये हो गया रिब स्टॉप यानी रिवर्स गियर का और स्टॉप लाइट का। ठीक है, तो ये फ्यूज होगा, अगर फ्यूज कट जाएगा तो ब्रेक स्विच में ही करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमको ऐसा सिस्टम दिया हुआ है अभी BS4 गाड़ी में, और जो 30 से जो करंट निकल रहा है वो जा रहा है डायरेक्ट ब्रेक लाइट में। अब देखिए, अब इसमें जो EMS सिस्टम है और जो ABS का जो सिस्टम है वो कैसा है, जो ब्रेक स्विच का ये जो निकल रहा है ना, जैसे हम ब्रेक दबेंगे तो यहाँ करंट आएगा, अगर ब्रेक नहीं दबेंगे तो यहाँ करंट नहीं आएगा। ठीक है, जब एयर का प्रेशर पड़ता है तो ये दोनों पिन है वो आपस में मिल जाता है, तो यहाँ करंट आता है। तो देखिए यहाँ से एक यह है ABS में, ठीक है, ABS का पिन नंबर 30 में, जैसे ये हो गया ABS रिले। ठीक है, इसका ये इसका तीन पिन होता है। ठीक है, तो ये जाएगा 30 में,
और यहीं से एक ज्यादा है ईएमएस ब्रेक रिले में, ठीक है। यहाँ देखें ये 30 में गया है, लेकिन यहाँ से जो ईएमएस ब्रेक में जा रहा है वो जा रहा है जो रिले को ऑन करता है, यानी 86 में, ठीक है। ये देखिए ये रिले हो गया, तीन हो गया ऊपर में, और ये हो गया 2, तो ये गया 86 में, इधर ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो मैं एक एक करके ईएमएस ब्रेक, एग्जॉस्ट ब्रेक, एबीएस ब्रेक, ये एक एक चीज़ का वायरिंग पे मैं चर्चा करूँगा, लेकिन ये थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम आधार नहीं जानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक।